अलीगढ़ में मेयर पद के चुनाव में हर बार मात खाती रही समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। पूर्व विधायक जमीर उल्लाह खान को प्रत्याशी घोषित कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। शहर व कोल सीट से विधायक रह चुके जमीर उल्लाह अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित रहे हैं। ये चुनाव उनका राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। वहीं साल 2006 में भी जमीर उल्लाह मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं, तब हार का सामना करना पड़ा था। बसपा ने सपा खेमे के कद्दावर नेता सलमान शाहिद को मैदान में उतार कर जमीर उल्लाह की चुनौती बढ़ा दी है। जमीर उल्लाह पहली बार साल 2007 में मुस्लिम नेता के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने सपा का टिकट शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने उनकी सीट बदल दी, कोल विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। वहीं कांटे का मुकाबला हुआ, फिर जीत दिलाई। इस जीत से पार्टी में उनका कद और भी ज्यादा बढ़ गया। देखिए साहब, इलेक्शन है, इलेक्शन में इलेक्शन जब तक कि आप बिल्कुल जीत नहीं आए तो किसी गफलत में नहीं रहना चाहिए। मेरा मानना है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे, जनता से अपील करेंगे कि आप हमें वोट दो और जीत के बाद जनता की खिदमत करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो नगर निगम के बहुत हैं। सबसे पहले मुद्दा तो यह है कि जो हाउस टैक्स का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को लूटा जा रहा है, उनको राहत देंगे। हम महिला क्लिनिक खुलवाएंगे, हम सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान देंगे, अलीगढ़ की जल भराव की समस्या खत्म कराने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। यही हमारे मुद्दे होंगे, जो जनता के हित के मुद्दे हैं वही होंगे सब। विकास की बात करें तो सड़क वगैरह सब विकास विकास तो इसमें आ जाता है। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अलीगढ़ को और स्मार्ट बनाएंगे, यही हमारी सोच है। जिस तरह से अलीगढ़ में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं बिजली के तार, जी जी जी, इस पर ही वर्क किया जाएगा, इस पर वर्क किया जाएगा पूरा। सर, किस तरह के लेकर के चुनाव जीतेंगे? जनता का सहयोग लेकर जो चुनाव जीतूंगा। मैं दो दफ़ा विधायक रहा, एक दफ़ा मेयर का इलेक्शन लड़ाऊँ और एक दफ़ा मैं निर्दलीय लड़ाऊँ, और अब यही मैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं उस भरोसे को इंशाल्लाह पूरा करूँगा। सर, कितने काम रह गए थे जो आगे पूरा करना चाहते हैं? देखिए, काम तो ज़िंदगी में रह ही जाते हैं, इंसान आज दुनिया में आता है चला जाता है, काम कभी पूरे नहीं होते हैं। लेकिन जितने भी कर सकते हैं और मौका मिले तो काम करना चाहिए।